15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर, देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कबीर बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान, और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। एक घुसपैठिया होता है वहां और भी होते हैं। Give up before we make you.
कॉर्पोरल, तुम कहाँ हो? मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं। बैठिए, ये यहां क्या कर रहे हैं? मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं, तो हो जाए। और क्या, ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं है। तुम कायरो ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है? तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। Give up, you told your brother we would make you.